लोगों को बहुत ज़बरदस्त मुबारकबाद स्ट्रेट लाइन की तरफ से, क्योंकि किश्तवाड़ से आने वाले हिनान नज़ीर ने आज ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए चंडीगढ़ की वो पिटाई की है कि उस पिटाई का नतीजा ये निकला है कि चंडीगढ़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में 48.3 ओवरों में 241 रन बनाए और जवाब में जम्मू कश्मीर की टीम ने 34 ओवरों में 245 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसमें शुभम खजूरिया ने 120 रन बनाए, 86 गेंदों में 15 चौके और 5 छक्के मारे, लेकिन कमाल किया है हिनान नज़ीर मलिक ने, जिन्होंने 110 रन 88 गेंदों में बनाए, 16 चौके झड़े और एक छक्का मारा। हालांकि आप बहुत सारे लोग सोचेंगे जी सेंचुरी मारी है विजय हजारे ट्रॉफी में तो इतना इम्पॉर्टेंट क्या, इम्पॉर्टेंट ये है कि हिनान एक लंबे अरसे के बाद अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, जिसमें पहले किश्तवाड़, रामबन और डोडा हुआ करते थे, वहाँ से एक प्लेयर निकला है जिसके बैटिंग स्टाइल को देखकर और आज की बैटिंग को देखकर, और ख़ासकर अगर मैं थोड़ा सा हिनान का रिकॉर्ड भी आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि हिनान 23 साल उम्र है हिनान की। हिनान ने लिस्ट ए में 2 मैच खेले हैं, 2 इनिंग्स खेली, 138 रन बनाए हैं, 127 बॉल खेले, 110 हाईएस्ट स्कोर है हिनान का लिस्ट ए में। और अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं तो फर्स्ट क्लास में भी हिनान ने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, 6 इनिंग्स खेली, 142 रन बनाए हैं, 66 हाईएस्ट स्कोर है। हिनान ने आज ये जो सेंचुरी मारी है, इस सेंचुरी पर हम तो जाहिर सी बात है मेरी छाती तो चौड़ी होगी, क्योंकि इलाका जो है डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, मैं डोडा का रहने वाला हूँ तो इलाका मेरा है, तो मुझे तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी है। हिनान के घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हिनान मेरे साथ हैं। हिनान सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आज आपने बहुत बुरी तरीके से चंडीगढ़ को पीटा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। देखिए पहले तो मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि उन्होंने आज इज्जत बख्शी, तो पहले और घर वालों की दुआएं आज काम आ गई। और जैसा कि परवेज भाई कहते थे कि जब भी मौका मिलेगा तो मौका छोड़ना नहीं, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऊपर वाले ने भी साथ दिया और अपनी मेहनत भी रंग लाई और वो मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया मैंने। हिनान मुझे बताना कि जब चंडीगढ़ बैटिंग कर गया तो आप बैटिंग करने के लिए जब उतरे, आपका पहला विकेट गिर चुका था, तो माइंडसेट क्या था, दिमाग में क्या चीज़ थी? क्योंकि अगर मैं जो आपकी पोजीशन टीम की थी जिस समय आप बैटिंग करने के लिए उतरे हैं, तो आपका पहला विकेट गिर चुका था, बोर्ड पर 17 रन थे, शुभम दूसरी तरफ से खेल रहे थे, शुभम भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, तो क्या दिमाग में था जब आप बैटिंग करने के लिए उतरे? जब बैटिंग करने के लिए उतरा मैं तो हमारे कोच और कैप्टन ने हमें ये डायरेक्शन दी थी कि आप विकेट पे खड़े रहोगे तो रन खुद ब खुद आ जाएंगे। और शुभम भैया ने भी बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेली और हम दोनों ने विकेट पे खड़े रहेंगे जब तक तो रन खुद ब खुद आते हैं। तो हमने वही किया, एक पार्टनरशिप बिल्ड की जिससे कि चंडीगढ़ को फिर मौका ही नहीं मिला कि वापस गेम में आने का, और गेम ऑलमोस्ट वन साइडेड हो गई। नहीं, गेम वन साइडेड ही नहीं हुई है बल्कि 34 ओवरों में 245 रन बनाना, आपने इस ट्रैक पर बैटिंग करने का, आपने टॉस जीता था या टॉस हारा था आपने? नहीं, टॉस हमने हारा था, चंडीगढ़ ने टॉस जीत के। तो अगर मौका मिलता टॉस जीतते तो क्या बैटिंग करते या आप भी बॉलिंग ही करते? नहीं, हमने भी बैटिंग करना था क्योंकि जो पिच थी वो बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए। अच्छा, तो हम भी अगर टॉस जीते तो हम भी टॉस जीत के बैटिंग ही करते। अच्छा हिनान, मैं देख रहा हूँ आपके, अगर मैं कैरियर स्टैट्स को देखूँ तो कैरियर स्टैट्स आपके साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि अभी बहुत दूर जाना है। लिस्ट ए में आपने कुल दो मैच खेले हैं और आपका एवरेज इसको 138 है और स्कोरिंग रेट 108.66 के करीब है। एक सेंचुरी भी आपने जो आज मारी है, तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि निगाहें कहाँ पर है, निशाना क्या है? जी जब भी मौका मिलेगा ये कि परफॉर्म करना है और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है आगे, जैसे कि आईपीएल आने वाला है, अगले साल आईपीएल में 2 नई टीम्स होंगी, 10 टीमें होंगी। हाँ, तो बहुत सारा मौका है, जब भी मौका मिलेगा तो परफॉर्म करना है। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर सेलेक्टर्स जो है वो देख रहे होते हैं, जो परफॉर्म करता है तो उसको मौका मिलता है। जैसे आईपीएल में इंडिया ए होता है, इंडिया बी का टूर होता है, मुझे वहाँ पे सेलेक्टर्स देख रहे होते हैं, जो कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है तो उसको मौका मिल ही जाता है। हिनान, आपको इस विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का मौका मिला, मुझे लगता है ये दूसरा मैच था आपका।
जी जी ये मेरा दूसरा मैच था आज। अच्छा मुझे हिनान ये बताएं, आपने अपनी जिंदगी का पहला मैच कौन से ग्राउंड पर खेला है? पहला मैच, मैं J&K टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब पहली बार आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया। जी पहला मैच तो हमने जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पे किश्तवाड़ में चौगान वहीं पे खेला। चौगान से विजय हजारे ट्रॉफी का सफर, कौन है किश्तवाड़ में ऐसा जिसको आज आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतना काबिल आपको बनाया कि आपने 100 रन ही नहीं किए लेकिन बहुत तेजी के साथ ये रन बनाए? पहले तो अपने घर वालों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया। मेरे फादर खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी मुझे बचपन में खेलने ले जाया करते थे, तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ, तो मैं अपने घर वालों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अच्छा उसके बाद जब जम्मू कश्मीर टीम में आए तो कभी सोचा था टोडा, किश्तवाड़, रामबन इन बैकवर्ड एरियाज से आने वाले क्रिकेटर हो, हम लोग हो, कि मौका मिलेगा इस लेवल पर खेलने का? पहले तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि हमारे वहाँ पे कभी ट्रायल्स वगैरह होते नहीं थे, हमें जम्मू आना पड़ता था ट्रायल्स के लिए, तो पहले तो पता भी नहीं होता था हमें कि ये ट्रायल्स वगैरह होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था। फिर जब जब हम जो जो हम जम्मू में आने लगे तो यहाँ पे थोड़ा पता चलने लगा कि ऐसे ट्रायल्स वगैरह होते हैं, फिर हमने भी ट्रायल्स में जब भी मौका मिला हमने अच्छा किया, वहाँ भी रन स्कोर किए, तो फिर हमें नेशनल ये स्टेट की टीम में मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जा रही है। अच्छा अब मुझे लगता है नज़रें आपकी IPL पर हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा क्या हिनान आप जम्मू कश्मीर से और इस्राइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से इंडिया हमारे देश की टीम में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपकी कोशिश कितनी है? जी कोशिश तो पूरी जोरों शोरों से है, बस यही कि परफॉर्म करना है, जब तक परफॉर्म आप करते रहोगे तो ऐसे सारे मौके आपको मिलते रहेंगे। यानी आप उस जर्सी के लिए, इंडिया की जर्सी के लिए उत्सुक हैं, पूरी कोशिश जी, करेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल, आपको जर्सी पहनने का मौका मिले? जी जी बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे हम। अच्छा हिनान आखिर में कोई मैसेज अपने घर वालों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कभी कहते थे हिनान क्यों वक्त ज़ाया करते हो इस चौगान के ग्राउंड में जाकर, कोई पढ़ाई कर लो, कोई सिविल सर्विसेज कर लो, कुछ और कर लो? जी मैं तो जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, फैमिली वगैरह, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन सब की दुआओं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब। अच्छा आखिर में हिनान एक और चीज़ की मलाल है कि आप विजय हजारे ट्रॉफी से घर वापस आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं? जी वो दुख तो है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन परफॉर्मेंस, जी जी परफॉर्मेंस तो अच्छी हुई, लेकिन ये है कि मेन जो था कि टीम अगर क्वालिफाई करती तो फिर तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने का, क्वालिफाई करते तो टूर्नामेंट जीतेंगे तो फिर तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली बार कोई ना कोई टूर्नामेंट जो कि J&K ने अभी तक जीता नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई टूर्नामेंट हम जरूर जीतें। कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। हिनान आपको बहुत बहुत मुबारक किश्तवाड़ से, इस दूर दराज इलाके से, चौगान के ग्राउंड से, आज आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हिनान हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिनान नज़ीर थे हमारे साथ, आपने सुन लिया। इम्पॉर्टेंट क्यों था हिनान नज़ीर को आपसे जोड़ना? इम्पॉर्टेंट इसलिए था, बहुत सारे बच्चे डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, इन सब इंटीरियर एरियाज में खेलते हैं, जो जम्मू शहर में खेलते हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन डोडा में ग्राउंड कितना है वो डोडा के लोग जानते हैं, किश्तवाड़ में ग्राउंड बहुत बड़ा है लेकिन ग्राउंड ग्राउंड जैसा नहीं है, बदरवा में ग्राउंड्स हैं लेकिन जैसा ग्राउंड एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड जो होना चाहिए वो नहीं है, प्रैक्टिस कहाँ करें, कौन हमको क्रिकेट सिखाए, कैसे हम अच्छे क्रिकेटर बने, ये वो तमाम परेशानियाँ हैं जो अक्सर व बेशतर इन इलाके के बच्चों को आती हैं, और उसके बाद माँ बाप का ये प्रेशर रहता है कि बेटा क्रिकेट छोड़ो, कोई और काम करो। बहुत सारे बडिंग और बड़े बेहतरीन क्रिकेटर्स हमारे इलाके के, कोई आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी क्रिकेट में IPL या किसी और बड़े टूर्नामेंट को खेलते उन्होंने सिर्फ ख्वाब ही देखे, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबी सिर्फ इसीलिए नहीं हुए क्योंकि रिक्विजिट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अब शायद
कुछ कुछ बदलने लगा है, और ये जो बदलने लगा है ये बहुत अच्छा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम आज विजय हजारे ट्रॉफी से बाहर हो रही है, 5 मैच खेले, 2 ही मैच टीम जीत सकी, 3 मैच हार कर टीम आज घर वापस आने वाली है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है, शुभम खजूरिया के साथ अब हिनान नज़ीर, अब्दुल समद, परवेज रसूल और नए और भी बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं अब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। मेरी और आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनका हौसला बढ़ाते रहें, ताकि जल्द हमको वो दिन देखने को मिले जब जम्मू कश्मीर की टीम के साथ मुकाबला करना और जम्मू कश्मीर की टीम के साथ जब मैच हो, तो जो हमारे देश की बड़ी टीमें हैं उन बड़ी टीमों को भी सोचना और समझना पड़े।